लव लॉजिक्स हेलो दोस्तों, लव लॉजिक्स चैनल में आपका स्वागत है। ये कहानी शुरू होने से पहले जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि हम आएंगे हर बार एक नए लव स्टोरी के साथ। काले रंग के लिए अब उसे शर्मिंदा नहीं होना पड़ता था, वो खुल के जीने लगी थी। पीछे मुड़ के किसी को भी देखना पसंद नहीं था उसे। और एक दिन उसके कंपनी के बॉस मिस्टर प्रतीक ग्रोवर बिजनेस मीटिंग के लिए रागिनी को लेकर मालदीव्स गए हुए थे। वाओ, मालदीव्स कितना सुंदर है, मन करता है मैं यहीं पर रुक जाऊं। आहा, तुम यहाँ पे रुक जाओगी तो मैं तुम्हारे बिना अकेला पड़ जाऊंगा रागिनी। एक्सक्यूज मी सर, आप ऐसे? यस रागिनी, आई लव यू सो मच, विल यू मैरी मी? मिस्टर प्रतीक ग्रोवर से शादी की प्रपोजल सुनकर रागिनी खुशी से पागल हो गई, अंदर ही अंदर झूमने लगी और बिना देर किए, आई लव यू टू प्रतीक एंड माय आंसर इज यस, आई विल मैरी यू। प्रतीक को तो मैंने शादी के लिए हाँ बोल दिया, कहीं ये गलत डिसीजन तो नहीं? फिर अविनाश? मैं भी ना पागल, अब भी अविनाश के बारे में सोच रही हूँ। उसके माँ ने कहा वो किसी और से शादी करने जा रहा है, मैं उसे फिर कभी कॉल ना करूं, पर वो तो एक बार कॉल करके मुझे ये सब बोल सकता था। इट्स ओके अविनाश, मुझे पता है तुम मुझे डायरेक्ट मना करते तो मैं बहुत दुखी हो जाती, इसलिए अपनी माँ से बुलवा दिए। ठीक है, कोई बात नहीं, आखिर तुम्हारा इस काले से पीछा छूट ही गया। लव लॉजिक्स। अविनाश, सच कहूँ तो तुम्हारी माँ मुझसे बहुत प्यार करती है। माँ हमेशा से चाहती थी कि मैं शर्मा जी की बेटी से ही शादी करूँ, अब उनकी दिल की मुराद पूरी होने जा रही है। अच्छा, तो तुम्हारे माँ के कहने पर तुम मुझसे शादी करने जा रहे हो? सच बोलो, मेरे साथ तुम्हारा कोई फीलिंग्स नहीं है? स्निग्धा, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए पॉपकॉर्न लेकर आता हूँ। मुझे स्निग्धा को रागिनी के बारे में कुछ भी नहीं बोलना चाहिए, अब जो भी हो स्निग्धा ही मेरी सब कुछ है, मैं उसे दुखी नहीं कर सकता। आखिर तुम्हारे सारे गहने गए कहाँ? मुझे नहीं पता, कितनी बार बोलूं मैं तुमसे? तुम्हें नहीं पता तो किससे पूछूं मैं? सच सच बोलो, इतने सारे गहनों का क्या किया तुमने? पापा, क्या पता, माँ ने उस काली रागिनी को दे दिया होगा। हाँ, दे दिया उसे, सब कुछ दे दिया, क्योंकि वो सब उसी के लिए संभाल के रखा था, उसके शादी के लिए। और खबरदार, उसे फिर से काली बोली तो। एक बार नहीं, बार बार बोलूंगी काली काली काली, भगवान करे वो अब तक मर गई हो। रोशनी, ठीक बोल रही है रोशनी, हमारी जिंदगी को नर्क बना चुकी थी वो, अच्छा हुआ यहाँ से चली गई। पर तुम ये बताओ, उसे इतने सारे गहने क्यों दे दी? आप दोनों बाप बेटी मेरी रागिनी को हर बात पे काली बुलाते थे, उसे बार बार घर से चले जाने को कहते थे। फिर उस रात रागिनी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और ये बैग? माँ, मैं जा रही हूँ। जा रही हो? कहाँ जा रही हो बेटी, इतनी रात को बारिश में कहाँ जा रही हो तुम? मैं मुंबई जा रही हूँ माँ, आगे की पढ़ाई करूँगी, अपने लाइफ में कुछ बन के ही रहूँगी। यहाँ पे सबके मुँह से काली काली में और नहीं सुन सकती, और ज्यादा दिन इस घर में रही तो किसी दिन मैं सुसाइड कर लूंगी माँ। मुझे जाने दो। मैं भी हमेशा से यही चाहती थी रागिनी, कि तुम पढ़ लिख के कुछ बन जाओ, ताकि इन लोगों के मुंह हमेशा के लिए बंद हो जाए। अब इस घर में रह के तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता, इसलिए तुम जाओ रागिनी, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। हाँ,
एक मिनट रुको, मैं अभी आई। माँ ये? ये सब मेरे शादी के गहने हैं बेटी, तुम्हारे लिए ही तो रखी थी। तुम्हें दुल्हन के वेश में सजाने को बहुत मन था, पर कोई बात नहीं, तुम ये सब बेचकर आगे की पढ़ाई करना, खूब नाम कमाना। और एक बात ध्यान रहे बेटी, कभी भी गलत काम मत करना। अब जाओ, ज्यादा देर हुई तो पापा उठ जाएंगे। उस रात मेरी रागिनी सब कुछ छोड़ के चली गई। वो गई तो गई, पर तुमने उसे मेरे हिस्से का सोना भी दे दिया, क्यों माँ? चाहे जो भी हो जाए रोशनी, मैं तुम्हें सबसे बड़े कॉलेज में पढ़ाऊंगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम्हारे पापा तुम्हारे साथ हमेशा रहेंगे। पर मुझे तो आगे की पढ़ाई करने का बिल्कुल मन नहीं, इन्हें मना कैसे करूं अब? हाँ, वैसे भी कॉलेज में पढ़ाई कौन करता है, घूम फिर के मस्ती करूंगी, ऐश करूंगी। रागिनी, हम इंडिया वापस जाते ही हमारी शादी की प्लानिंग करेंगे। तुम चाहो तो अपने माँ पापा को अभी से मुंबई बुला लो। हाँ ठीक है, मैं हमारे बारे में बात करूंगी उनसे। मुझे अब और ज्यादा कपड़े चाहिए, बस इतने से कपड़ों में मैं ज्यादा दिन तक शो ऑफ नहीं कर पाऊंगी। सबके सामने मैं एकदम स्टनिंग दिखना चाहती हूँ। क्या बात है रोशनी, कौन सी सोच में डूबी हुई है मेरी बच्ची? पापा मुझे कुछ पैसे चाहिए, नए कपड़े लेना है। हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम्हारे कॉलेज एडमिशन से पहले ही हम शॉपिंग पे चलेंगे, ओके? थैंक यू पापा। और पापा मैं सोच रही थी एक नई स्कूटी और एक मैकबुक प्रो ले लेते हैं। हाँ हाँ क्यों नहीं ले लेंगे। प्रतीक से शादी की बात सुनने के बाद से माँ की बहुत याद आ रही है। माँ हमेशा से चाहती थी मैं कुछ बनकर बहुत नाम कमाऊं, पर आज मैं उस मुकाम तक पहुंचने के बाद मेरी माँ मेरे पास नहीं है, मेरे से बहुत दूर हो गई है। फिर रागिनी बिना देर किए उसके माँ को फोन लगा दी। हेलो माँ, माँ, रागिनी मेरी बच्ची कैसे हो तुम, आज इतने सालों के बाद माँ की याद आई। माँ हर पल आपकी याद आती है मुझे, पर कॉल करने से डरती हूँ मैं, कहीं पापा आपसे नाराज ना हो जाए। वो सब छोड़ो माँ, अब ये बताओ कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ बेटी, अभी एक इनविटेशन कार्ड देख रही थी। अरे वही तुम्हारा वो दोस्त अविनाश, अगले महीने उसकी शादी है, उसकी बहन आई थी कार्ड देने। तुम्हें तो पता ही होगा इतने करीबी दोस्त जो थे तुम दोनों, है ना? हाँ 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 माँ मुझे पता है। माँ काम हो गया, उस काली के घर पे अविनाश के शादी का कार्ड दे आई हूँ, अब तक तो उसे पता चल ही गया होगा। सही किया। अविनाश की माँ सही बोल रहे थे, वो और किसी को पसंद करता है, उससे शादी करने जा रहा है, फिर मैं क्यों उसके बारे में सोच के इतना दुखी हो रही हूँ? नहीं, अब मुझे अविनाश को भुलाकर प्रतीक के साथ खुश रहना चाहिए, अब वही मेरी जिंदगी है। इसके आगे क्या होने वाला है ये जानने के लिए हमारा अगला एपिसोड देखना ना भूलें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए। अरे 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 अरे, इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ। नमस्ते।